कैसे हैं दोस्तों, एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा का दीक्षा पे जो ऑनलाइन हमारा ट्रेनिंग चल रही है उसका मॉड्यूल 4 अब हम लोग कर सकते हैं दीक्षा पे, और उसी के साथ ही अब मॉड्यूल 4 का डैशबोर्ड भी निष्ठा का लॉन्च हो गया है, जिसमें हम अपने जनपद, अपने ब्लॉक और अपने स्कूल की प्रगति भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या चीज नई आई है। सबसे पहले देखते हैं कि इसको करने का तरीका पिछले वाले की तरह ही है। जिनको नहीं, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं या हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं या उन्होंने अभी डैशबोर्ड नहीं देखा है, उनके लिए एक बार हम फिर से बता दें कि यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते थे। जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट हमारी है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो हम देखना चाहते हैं यहाँ से भी हम कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ लिख भी सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद लिया, सारे उस प्रयागराज के जितने भी ब्लॉक हैं वो यहाँ पे आ गए। हमने ब्लॉक नेम लिया जो हमको चाहिए, हमने मान लिया यहाँ लिया फूलपुर। इस तरीके से हमारा ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से स्कूल नेम ले सकते हैं। जो भी हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे वहां पर हमें दिखाई पड़ने लगेगा कि कितने टीचर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर अभी कोर्स मॉड्यूल 4 को ज्वाइन किया है और कंप्लीट कर लिया है। देखिए, प्रोग्रेस यहाँ पे इस स्कूल में 100% दिखा रही है दो टीचरों की। इसी तरह अगर हम दूसरा कोई सिलेक्ट करते हैं स्कूल, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टीचर ने 100% कर लिया है और लोगों ने इनरोल किया है और इतना परसेंट किया है। इस तरीके से हम देख पाएंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे हमें स्कूल नेम भी मिल रहा है। अभी क्या हो रहा था कि यहाँ पे सिर्फ हमारा टीचर्स नेम ही दिख रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों के आखिरी दिनों में स्कूल नेम भी दिखने लगा था। उससे हमें आसानी ये होती है कि जब हम ब्लॉक पे डेटा को लेते हैं या निकालते हैं तो हमें स्कूल भी आ जाता है। अब मान लीजिए, जैसे कि इस केस में हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिया हुआ है और यहाँ ब्लॉक पे सारे ब्लॉक सेलेक्ट हैं, यहाँ ब्लॉक का देख रहे हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ के सभी टीचर्स विद स्कूल नेम आ जाएगा। अगर हमें इस पूरे ब्लॉक का डिटेल लेनी है, देखिए यहाँ पे तीन बिंदु हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा डाउनलोड CSV, यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के रूप में। जब हम डाउनलोड करेंगे तो यही तीनों फील्ड हमें वहां पे मिल जाएगी, टीचर नेम, स्कूल नेम और प्रोग्रेस। इससे हमें ये है कि ब्लॉक पे अगर हमें मॉनिटरिंग करनी है तो हम इसे पूरे ब्लॉक का डेटा ले सकते हैं। इसी तरह हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का देखना है तो हम यहाँ से सारे यहाँ पे हम खोल देंगे, यहाँ पे ब्लॉक सारे ले लेंगे और अब अगर हम जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें ब्लॉक का डेटा भी मिल जाएगा। एक चीज और दोस्तों, यहाँ शॉर्टिंग थी, ये भी हमें बता दें। यहाँ पे एक शॉर्टिंग का ऑप्शन भी हमारे होता है, किसी पे भी आप अगर क्लिक करते हैं, टीचर ने पे किया तो सारा का सारा शॉर्टिंग हो गया। देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि मॉड्यूल 4 के निष्ठा के डैशबोर्ड के बारे में था, उसकी वर्किंग के बारे में था और क्या नया है इसके डैशबोर्ड में वो आपको हमने बताया। इसमें हम डेटा भी डाउनलोड बढ़िया से कर पाएंगे। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। और एक चीज खास बात की, जो इसका लिंक है वो हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।